क्या मैं लेट तो नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? तुमने कहा था ना कि तुम बाकायदा दुल्हन बनोगी, तुम निकाह करोगी, तो जनाब हम शादी की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। क्या वाकई हम शादी की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं? 100% चले जल्दी चले। तुम्हें बहुत हंसी आ रही है। हाँ नहीं तो क्यों ना आए हंसी, जब से आपकी गुड न्यूज सुनी है ना। तैमूर साहब तो बस आपके आसपास घूमते रहते हैं, हर वक्त उनकी नजरें आपको ढूंढती रहती हैं। तो बहुत बातें बनाना शुरू हो गई हो। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं झूठ तो नहीं बोल रही। तुम्हें पता है मुझे तैमूर क्या कह रहे थे? कि अब तो मेरा दिल करता है कि तुम्हें बस सामने बिठा के देखता रहूं। ये सारे मर्द ना एक जैसे होते हैं, उन्हें अपनी औलाद सबसे ज्यादा प्यारी होती है, बच्चों की माँ से भी ज्यादा प्यारी। क्या मतलब, अपनी बीवी से भी ज्यादा? आपने देखा नहीं कि बीवी की मौजूदगी में भी दूसरी औरत ले आते हैं, पर बच्चों के लिए उनके जज्बात नहीं बदलते। तो वो जो मुझे अटेंशन दे रहे हैं वो बेबी की वजह से है? जी बिल्कुल। लेकिन बहुत सारी लड़कियां चाहती नहीं है कि शादी के फौरन बाद बच्चे हों। उन्हें शायद ये लगता है कि शौहर की तवज्जो उनसे हटकर बच्चों की तरफ चली जाएगी। वाकई में भाभी? हाँ मैं खुद जानती हूँ ऐसी बहुत सारी लड़कियों को, जैसे शादी के बाद गुड न्यूज आती है जान छुड़वा लेती हैं। पता नहीं कैसी औरतें होती हैं। जब औरत को मर्द की मोहब्बत का लालच होता है और साथ में ये डर भी हो कि वो बदल ना जाए, तो वो कुछ भी कर गुजरती है। We'll be right back.
अब आपको मेरी मेडिसिन की फिक्र होने लगी। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने वाकई इसीलिए कॉल की थी। तैमूर, मेरी मेडिसिन 2 टाइम होती है, सुबह और रात। लेकिन मेरा मेडिसिन लेने को दिल नहीं कर रहा, बहुत बेचैनी सी हो रही है। फलक, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है तुमको, तो तुम भाभी के साथ डॉक्टर के पास चली जाओ। तैमूर, मेरी तबीयत बहुत सुस्त हो रही है, बहुत लेजी हो रही हूँ मैं, मेरा कहीं जाने को दिल नहीं है। लापरवाही बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। लापरवाही नहीं कर रही मैं, और मुझे किसी के साथ नहीं जाना। आप जब फ्री होंगे हम एक साथ चलेंगे। तो ऐसे कहो ना कि तुमको मेरे साथ जाना है। हाँ, तो आपके साथ जाना है। जब आप फ्री होंगे तो आप मुझे लेके जाएंगे, बस। वैसे किंजा भाभी बहुत ख्याल रखती हैं, तुम्हारा, हमारे होने वाले बच्चे का। हैं तो बहुत केयरिंग। पता नहीं तुम्हें क्यों उनसे इतना इख्तलाफ है हर बात का।